जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ये बात बहुत दिन पुरानी नहीं है, 2 साल पुरानी है, जब मैं जोगिनी साधना कर रहा था। जोगिनी साधना हमारे यहाँ माँ छिन्मस्तिका बोलते हैं, और 64 जोगिनियों में उनको महारानी जोगिनी बोला जाता है, महारानी माता बोला जाता है, डाकिनी माता भी बोला जाता है। जब कानिफनाथ की हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी तो बताया था कि डाकिनी स्वरूप में माँ छिन्मस्तिका ने कानिफनाथ जी को बहुत सारी कहानियाँ बताई थी, बहुत सारी ज्ञान दिए थे, बहुत सारी सिद्धियाँ दी थी। तो जोगिनी की साधना एक अघोरी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं जिस पद्धति से साधना कर रहा था उसमें जोगिनी साधना का कोई वर्णन मुझे उल्लेख बहुत मिल नहीं रहा था। तो गुरु परिवार से ही एक परिचित गुरु से हमारी मुलाकात से 6-7 साल पहले हुई थी, तो वो हर बार जब भी मैं बात करता था तो कुछ कुछ नई नई बातें बोलते थे कि आपके लिए मैंने ये सिद्ध करके रखा है, वो सिद्ध करके रखा है। तो धीरे धीरे उन्होंने इतनी चीज़ें सिद्ध करके मेरे लिए रख दी और मुझे कुछ दी नहीं, तो मुझे एक अविश्वास था उन पर कि ये ऐसे ही मुझे कुछ कुछ बोलते हैं। तो एक दिन उनका फोन आया, उन्होंने बताया कि अमुक दिन पर मैंने जो जोगिनी आपके लिए सिद्ध करके रखी है वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप एक काम करना, एक नारियल रखना और 8 दिए रखना अष्टमात्रिका के नाम पे, और एक निर्जन स्थान पर बैठना और जोगिनी माता आएंगी और आप उनका साक्षात्कार कर लेना। तो मैंने उनके बात को बहुत तवज्जो नहीं दिया, मुझे लगा कि ये तो हर बार ऐसे ही बोलते हैं, हालांकि उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा है। वो मसान जागृत करने में उनकी सानी नहीं है। आपको अगर प्रेत को देखना है तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको अपने साथ श्मशान ले जाएंगे और आपको प्रेत का दर्शन करा देंगे। लेकिन बात था कि मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला ये होगा और वैसा उन्होंने किया नहीं किया, क्योंकि हो सकता है उनके पास समय ना हो या फिर उनको लगता हो कि अभी देना उचित ना हो, जो भी है, लेकिन बोल नहीं देने से मुझे अविश्वास था। तो उन्होंने जब बोला कि जोगिनी मैं आपको आपके लिए भेज रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये भी कथा है, लेकिन क्योंकि एक गुरु का कुछ कहना है तो मैं उसको टालना नहीं चाह रहा था। तो मैंने निर्जन स्थान के बदले अपने ही ऑफिस में सोचा कि इसको कर लेता हूँ, क्योंकि अपना ऑफिस है तो छोटा सा सेटअप है, कोई वहाँ आता जाता नहीं है रात में। तो वहाँ जिस विधान से उन्होंने बोला था वैसे मैंने हवन का पूरा आयोजन कर लिया और उसके बाद 8 दीपक जलाए उसके सामने, हवन के सामने। और मैं जैसे दीपक जलाता था तो 6 दीपक जल जाते थे, 7वां और 8वां दीपक मेरा नहीं जल रहा था। तो मैं बड़ा परेशान था, मुझे लग रहा था हवन कैसे शुरू करूं। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि जो 8 जोगिनियों को तैयार किया था उसमें 2 जाने के लिए आपके पास तैयार नहीं हो रही है, तो आपका अभी 2 दीपक जलेगा नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप हवन शुरू करो। तो मैं थोड़ा सा चौंका कि ये तो सही बात है कि यहाँ मैं हवन पे बैठा हूँ और हवन मेरा जल नहीं रहा है, और इनको भी पता है कि हवन नहीं जल रहा है, साथ में ये भी बता रहे हैं कि 2 जोगिनियाँ मान नहीं रही हैं और मेरा यहाँ पे 2 दीपक नहीं जल रहा है। तो थोड़ा सा एक मैं हिला 2 सेकंड के लिए, लेकिन मैंने बोला चलो फिर भी अब करके देखते जब इन्होंने बताया है। तो मैंने हवन शुरू कर दिया, बहुत अलग तरीके से उस हवन को करना था, और उसके मध्य में ही इनका फ़ोन आया कि अब एक बार आप दोनों दीपक जला के देखो। तो फिर दोनों दीपक हमारे फिर से जल गए। तो एक आम जैसे हवन पूजा होती है वैसे ही सब कुछ चल रहा था, और जब हवन समाप्त हुआ तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया कि गुरु महाराज हवन मैंने कर लिया। तो उन्होंने बोला बस शांति से वहाँ बैठ जाना, कुछ बात मत करना और फ़ोन की तरफ मत देखना, चुपचाप बैठे रहो, अब जोगिनी आपके पास जाने लगेंगी थोड़ी देर में। मैंने मतलब मजाक ही में लिया इसको कि ऐसे क्या जोगिनी, ऐसे कोई एक रात में सिद्धि कोई किसी को दे सकता है क्या, ऐसा होता है क्या? मैं तो खुद इस चीज़ का विरोधी रहा हूँ कि सिद्धि ट्रांसफ़र कोई कर सकता है, लेकिन मैं इस पर बताता हूँ कि गुरु चेले में होता है ऐसा।
तो मैं बैठ गया, मैं भी ध्यान में लग गया, ध्यान करने लगा। अचानक मुझे पायलों की आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि कोई कुछ कीड़ा ऐसा होता है कि जिसके बोलने से पायल की झंझनाहट जैसे घुंघरू जैसी आवाज़ आती है, तो मुझे लगा कि वही होगा। लेकिन धीरे धीरे जो वो आवाज़ थी वो बिल्कुल मेरे करीब आई, ठीक है, ऐसा लगा कि मेरे पीछे से मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया। वो जो प्रवेश था वो प्रवेश नहीं समझ में आया मुझे, लेकिन ये समझ में आया कि वो जो घुंघरू की आवाज़ है वो मेरे अंदर से आ रही है, और फिर वो मेरे सामने से निकलते हुए, वो दीपक को पार करते हुए वो मेरे कमरे से बाहर चली गई। ये जो घटना हुई, ये जो साक्षात्कार हुआ जोगनी से मेरा, ये मैंने प्रत्यक्षीकरण या साक्षात्कार के रूप में नहीं देखा। ये क्षण जो 2 से 3 मिनट का था मेरे जीवन का, ये मैंने अपने भय पे काबू पाते हुए बर्दाश्त किया किसी भी तरीके से। और उसके बाहर जाके भी ऐसा नहीं था कि वो तुरंत रुक गया वो आवाज़, वो आवाज़ 2-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। तो मैं एक तो समझ गया कि ये कुछ ना कुछ शक्ति मेरे आसपास आ गई है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि जब वो आवाज़ बंद हो गई, तो उन्होंने बोला तुमने फ़ोन क्यों किया, तुम्हें मना किया था, अभी तो एक ही जोगनी गई थी, आपको फिर से करना पड़ेगा पूरा। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा अनुभव रहा कि मैं पूरा हिल गया था। दूसरी बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, दूसरी बार मैं अपने धुने पे चला गया इसका हवन करने के लिए। और वैसे ही मैंने सब कुछ तैयारी की, पूरा हवन ववन सजाया, दीपक जलाया। मैं इस बार थोड़ा तैयार था मानसिक रूप से, और नादी वादी पहन ली कि सुरक्षा भी पूरी हो, घेरा मारा, उसके बाद बैठ गया। लेकिन इस बार 0/0, कोई भी अनुभव मुझे नहीं हुआ। मैं घंटे 1.5 घंटे बैठा रहा। 1.5 घंटे बाद मैंने उनको फ़ोन किया कि आपने इस बार क्या मुझसे नाराज़ होकर आपने जोगनियों को नहीं भेजा? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने भेजा, आपने घेराबंदी कर रखा था तो वो प्रवेश नहीं कर पाई। ये बात सत्य था। और वहीं से मुझे इस बात का बोध हुआ कि जब भी किसी शक्ति का आप आवाहन करते हैं तो आपको घेराबंदी उससे निम्न स्तर का करना होगा, उससे ऊपर का अगर की शक्ति का घेराबंदी होगा तो वो नहीं आ पाएगी। तो दूसरा जो मेरा एक अटेम्प्ट रहा फिर से जोगनी को सिद्ध कर लेने का, वो नहीं संभव हो पाया। अब 1 महीने बाद फिर से वो तिथि आई, वो संयोग फिर से बना और फिर से मुझे वो साधना करने का मौका मिला। इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो 1 दिन पहले से मैंने तैयारी शुरू की और एक निर्जन स्थान पर, वो भी और दिन तो मैंने 9 बजे 10 बजे साधना शुरू कर दी थी, इस बार मैंने मध्य रात्रि में साधना शुरू की। तब तक ये हुआ कि जो गुरु महाराज थे वो कारण लेके मस्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया कि आज जो भी अनुभूति होगी वो पूर्ण होगी और आज जो है जोगनी माँ आपके पास चली जाएंगी, आप उसको इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से आप अनुभव कर सकते हो। तो उस निर्जन स्थान पर मैं गया, मैंने 8 दीपक जलाए, फिर इस बार 7 दीपक जल रहे थे, 8वां जल नहीं रहा था। मैंने उनको फिर से फ़ोन किया कि ये 7 ही दीपक जल रहा, 8वां नहीं जल रहा। उन्होंने बोला हवन शुरुआत करो, मैं कोशिश करता हूँ। काफ़ी प्रयत्न के बाद मुझे लगता है 1/2 घंटा 45 मिनट हुआ, उसके बाद 8वां दीपक जला और अनुभूतियाँ शुरू हो गई। अनुभूतियाँ समझ में आने लगी कि अब किसी शक्ति का प्रवेश मेरे क्षेत्र में हो रहा है। कैसे कैसे पता चल रहा था? सबसे पहले तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसको इंग्लिश में शैडो पीपल बोलते हैं, कि आँख के कोने से जब मैं देख रहा था तो दोनों ओर से मुझे ऐसा लगा कि कोई पार कर रहा है। फिर
बीच मध्य हवन में ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आके खड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसे सट के खड़ा हुआ है कि उसका वस्त्र और मेरे शरीर का जो है स्पर्श हो रहा है। मतलब अगला बता रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि ये जोगिनी माता है या फिर आसपास की कोई आत्माएं हैं जो कि अतृप्त शक्तियां हैं जो कि हवन के चलते मेरे आसपास आकर के बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे हवन चलता रहा अनुभूतियां बढ़ने लगी, वो पायलों की आवाज़ आने लगी, जो हवन था वो उग्र होने लगा, और जैसे जैसे ऐसा लगे कि मेरे आसपास एक और शक्ति आई है, एक एक करके दीपक बुझने लगे। फिर से वैसा ही अनुभव हुआ कि मेरे शरीर में कोई प्रवेश कर रहा है, निकल रहा है, और ये स्पर्श के माध्यम से हो रहा था, ये आवाज़ के माध्यम से हो रहा था। जैसे पायल वाला जो घटना हुआ वो फिर से हुआ मेरे साथ ही, मेरे वाम भाग से लगा किसी चीज़ ने प्रवेश किया और दाहिने भाग से निकल गया, और धीरे धीरे करके वो घी लगा में जो सराबोर दीपक थे वो एक एक करके बुझने लगे, और करीब 2 घंटे के आसपास जब हवन चला तो वो 8ों दीपक बुझ गए थे। हालांकि मैं उसमें बार बार घी डाल रहा था और दीपक भी बड़े थे। जब 8ों दीपक बुझ गए तो मैंने महाराज जी को फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। डर भी लग रहा था क्योंकि अब विसर्जन कैसे करना है ये मुझे पता ही नहीं था इस पूजा का, लेकिन अपना जो अपना पद्धति है उससे मैंने विसर्जन किया, खुद का बंधन किया और भगवान का नाम लेके, भैरव बाबा का नाम लेके मैं वहाँ से निकल गया। मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा जो मेरुदंड है उसमें शक्तियों का जो प्रवेश हुआ है और वो शक्तियाँ मेरी बढ़ गई हैं, ये मुझे समझ में आ रहा था। दूसरे दिन फिर गुरु महाराज ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला हाँ इस बार तुमने ठीक से साधना कर लिया है, जो जोगनियाँ थीं वो आपके पास चली गई हैं, ठीक है। फिर उन्होंने अपने से पूछा, देखा किस तरीके से जब जोगनियों का प्रवेश हुआ तो दीपक तुम्हारे बंद हुए ना, तो मैंने बोले हाँ मेरे दीपक तो बंद हो गए। फिर उन्होंने बोला कि अब हर अमुख दिन जो है इनको आप सिर्फ भोग देते रहना, और अगर कोई कार्य करवाना हो तो करवा लेना। तो मुझे तो कोई कार्य करना नहीं था, क्योंकि जब भी आप शक्तियों से कार्य करवाते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसके बदले देना पड़ता है। हाँ, ज्ञान मार्ग के रूप में जब कहीं भी मैं फंसा, मुझे लगा कि ये वाली साधना में मुझे दिक्कत हो रही है, तो वहाँ जोगनियों का मैंने सहारा लिया, उनका आवाहन करके उनको बोला कि इस साधना को अब आगे आप जो है यहाँ से आगे बढ़ाइए। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जब मैंने जोगनी का आह्वान किया है किसी साधना में तो मुझे रुकना पड़ा हो या फिर कोई और अवरोधक मेरे जीवन में आया हो, और जब भी जोगनी की साधना हुई तो सब कुछ उसके आगे बहुत बढ़िया हुआ। तो जोगनियों की साधना एक ऐसी साधना है जो हम गृहस्थ कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया रहता है गृहस्थों के लिए। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा, और इस अनुभव के बाद मुझे ऐसा पता चला कि गुरु शिष्य में अगर गुरु चाहे गुरु तो कुछ कुछ शक्तियाँ जो है वो अपने शिष्यों को दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको मेरे साथ जुड़ के बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरे द्वारा लिखे गए लेख और मेरा आगामी कार्यक्रम जानने के लिए आप www.aghortantrahasya.com पर जा सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। माँ छिन्मस्ती का आप सभी की रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश, आदेश।